इंडिया के हमारे अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी और उनके साथ जितने भी जो मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, इस सुंदर प्रदेश में मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 21 फरवरी से संतोष ट्रॉफी का जो यहाँ पे शुरुआत हुआ, आप जितने भी जो फुटबॉल लवर्स हैं, इसका आप लोग भरपूर आनंद लिया होगा। और आज जैसे हमारे फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आपने कल्याण जी ने जो कहा कि फीफा प्लस के माध्यम से 77 संतोष ट्रॉफी पूरा ग्लोबली पूरा दुनिया के लोग उस बैंक को विजिट किया, और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि 77 संतोष ट्रॉफी को उन्होंने यहाँ अपना एक सुंदर प्रदेश अरुणाचल में होस्ट करने का इन्होंने परमिशन दिया है। आप सभी का सपोर्ट को देखते हुए, आप सभी का जो यहाँ पे फुटबॉल प्रेमी जो आए हैं आपको देखते हुए, हमें ये लगता है कि यहाँ ईटानगर कैपिटल एरिया में इससे भी ज्यादा फुटबॉल स्टेडियम एक बनना जरूरी है। जैसे कल्याण जी ने कहा कि पहले फुटबॉल केवल सिर्फ मणिपुर और मिजोरम में सीमित हुआ करता था, आज नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का प्रेमी अरुणाचल में हम लोग देख सकते हैं। भले ही हमारा अरुणाचल प्रदेश की टीम आज फाइनल में पहुंच नहीं पाया, मगर जिस उत्सव से यहाँ पे जो क्राउड आए हैं फुटबॉल लवर्स, आप लोग आनंद लीजिएगा। आज का फाइनल मैच में सर्विसेज और गोवा के बीच में खेला जाएंगे, और जैसे मैंने कहा बहुत ही जल्दी यहाँ ईटानगर में इससे भी बड़ा फुटबॉल स्टेडियम हम फुटबॉल लवर्स को डेडिकेट करेंगे। आए थे कुल मिला के 12 टीम इस संतोष ट्रॉफी को भाग लेने के लिए आए हैं, उन सभी टीम मेंबर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल फेडरेशन के हमारे साथ टीम मेंबर्स में जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी जितने भी जो वॉलेंटियर्स हैं, आप लोग ने दिन रात मेहनत करते हुए 77 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप और संतोष ट्रॉफी को एक सक्सेस रूप को आप लोग ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर मैं अपना प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी और उनका पूरा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज एंजॉय द मैच। जय हिंद, जय फाइनल। आई वांट टू थैंक प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन एंड ऑल्सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा जी, थैंक यू वेरी मच। अरे करते करते ठीक है। इधर अरुणाचल में संतोष ट्रॉफी आने से पहले जब आदरणीय मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल फुटबॉल के अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि अरुणाचल में हम संतोष ट्रॉफी करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि हम नॉर्थ ईस्ट की जब बात करते हैं फुटबॉल के लिए, तब सिर्फ मणिपुर और मिजोरम तक सीमित रहते हैं, लेकिन अरुणाचल इस बार जिस तरह से संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया, मैं समझता हूँ कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट संतोष ट्रॉफी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग जब पिछले साल 76 संतोष ट्रॉफी का मेन राउंड किया था वो रियाद सऊदी अरब में था, पहली बार भारत का नेशनल चैंपियनशिप, पहली बार भारत के जो नेशनल चैंपियनशिप खेलने वाले खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टेडियम में VAR के अंदर फुटबॉल मैच खेला था संतोष ट्रॉफी। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अब जब देश में संतोष ट्रॉफी करते हैं तो उसकी अपेक्षा हमेशा हमेशा वैसा रहता, और मुझे खुशी है कि 77 संतोष ट्रॉफी जब हो रहा है किसी भी तरह से 76 से कम नहीं है, जिस तरह हमने सऊदी में किया था उसी तरह संतोष ट्रॉफी। मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और अरुणाचल में रहने वाले सभी फुटबॉल प्रेमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैच सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ अरुणाचल में नहीं, बल्कि फीफा प्लस के द्वारा पूरा विश्व में ये मैच दिखाया जाएगा।
अब एंड ऑफ द डे संतोष ट्रॉफी सक्सेसफुली क्लोजिंग हुआ बिकॉज हेल्प ऑफ द योर मीडिया टीम एंड गवर्नमेंट एनजीओ एंड स्पेशली पब्लिक और हमारा जो फॉर्मर्स प्लेयर है और एआईएफएफ हमारा जो एपीएफए टीम है और अंडर द प्रेजिडेंसीप ऑफ पेमा खांडू जी सक्सेसफुली अभी चैंपियनशिप खत्म हुआ आपने देखा होगा आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट संतोष ट्रॉफी लोगों ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ लोगों ने कहा बाहर से आने वाला लोग जो हमारा देश के बाकी जो विभिन्न हिस्सों से आने वाला लोग ने कहा दिस इज द बेस्ट संतोष ट्रॉफी अभी तक का तो सब ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि लोग हमारा प्रदेश को तारीफ कर रहा है और हमारा प्रदेश को लोग जान रहा है और फीफा ऑल्सो वेरी हैप्पी फीफा जो ब्रॉड टेलीकास्ट कर रहा था फीफा प्लस में ना अरुणाचल इज अंडर द फुटबॉल एंड द वर्ल्ड मैप में अरुणाचल आ गया है फीफा को भी पता हो गया कि अरुणाचल कैसा ऑर्गेनाइज कर सकता है ब्यूटी ऑफ फुटबॉल मैंने कुछ पहले भी मैंने कहा फुटबॉल हर अरुणाचली के रग रग में बसा हुआ नहीं स्किल को एंस करने के लिए हम लोग ग्रास रूट में अभी फोकस कर रहा है क्योंकि हमने अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ एमओयू करने जा रहा है ग्रास रूट प्रोग्राम को लेकर अंडर 6 to 12 एंड 12 to 15 देन वी आर गोइंग टू बी लॉन्च एकेडमी रेसिडेंशियल एकेडमी हम लोग लॉन्च करने जा रहा है इसे हमें बहुत आगे बढ़ेगा क्योंकि आपको भी पता होगा जैसे गोवा है कितना सालों से खेल रहा है सर्विसेज से बट हम लोग फर्स्ट संतोष ट्रॉफी खेला 93 में आप सोचो वो लोग कितना सालों से खेल रहा था लेकिन हमने भी कोशिश किया ये लेवल में लेकिन अभी उसको हम लोग और बढ़ावा अरुणाचल के भी और मैप में ऊपर लेके आने के लिए हम लोग आप लोग का मदद से हम लोग प्रतिबद्ध है हम लोग काम करेंगे अपना प्रदेश के लिए अपना लोगों के लिए सर कहीं ना कहीं इस बार हमें देखने को मिला है कि अरुणाचल का प्लेयर्स भी काफी अच्छा रिहर्सल किया है तो आपको नहीं लगता है कि अगर हम लोग स्टेट में सीजनल टूर्नामेंट होगा वो लोग जिस तरह से ये लोग खेलता आया है इस बार और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा उसको लेके आपके क्या रिगार्डिंग देखो आपका इसमें हम लोग भी चाहता है कि खेलना आपको पता है कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था आपको भी पता है अब जब मैं संतोष ट्रॉफी लाया संतोष ट्रॉफी को हमारा एपीएफए एग्जीक्यूटिव टीम ने जब निर्णय लिया संतोष ट्रॉफी होस्ट करने का लेकिन हमारा पास ग्राउंड नहीं था दिस इज द रियलिटी रियलिटी को भी आपको जानना है इफ ग्राउंड होता शायद और भी हमारा लेवल अलग होता लेकिन ये ग्राउंड आपने देखा होगा हमने लास्ट 3 months बैक उससे पहले आपने गोल्डन जुबली टाइम भी देखा होगा स्टेडियम किस स्थिति में था लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेमा खांडू है तो मुमकिन है तो इसलिए ये इतना कम समय में हमने 2 ग्राउंड बनाया राजीव गांधी स्टेडियम एंड यूपीआई स्टेडियम बहुत ही कम समय में इसका लाभ आप सबको देखने को मिला आई थिंक और जहां सीएम साहब ने जो अनाउंस किया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम होगा वो नेचुरल टर्फ का होगा आई थिंक आने वाला साल में इंटरनेशनल मैचेस अरुणाचल प्रदेश में मैं कोशिश करूंगा हमारा लोग भी इंटरनेशनल मैच को प्रैक्टिकली देखे जब तक मैं एआईएफएफ में हूँ ये मैं कोशिश करूंगा और लाऊंगा भी जरूर और लाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको पक्का मिलेगा हमें यकीन है और आप लोग का मदद मीडिया का मदद हमेशा चाहिए सर आपने सवाल आपने दिया सीजनल मैच पूछा हम लोगों ने सीजनल मैच हमारे अरुणाचल सीजनल मैच आपको बताया ग्राउंड नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उसके कारण हमने लीग को कैरी ऑन नहीं कर पाया आगे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंफर्म होगा अभी आप देखो हर दिन हर साल होगा अभी हमने अभी जस्ट डिस्कशन भी हुआ तो वी आर गोइंग टू बी वीमेंस लीग पहले से करके आ रहा है तो मैंने आज अप्रोच किया कि वीमेंस लीग को भी हमको सरकार फंड करे ताकि हम हमारा जो गर्ल्स है उसको हम आगे बढ़ावा करें और आगे आने का मौका करें क्योंकि कंधे से कंधे मिलाकर आज का दिन में लड़की लड़का एक साथ जाना है और सोसाइटी को आगे बढ़ाना है ये मैं इसमें यकीन करता हूँ